तेजस्वी यादव आज गोपालगंज के दौरे पे हैं और साथ ही साथ उन्होंने तीन मांग रख दी है सरकार के सामने। पहला कि रघुवंश बाबू ने जो अंतिम समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी थी, इसमें कहा था कुछ सड़कें अधूरी है उसको बनाया जाए, और दूसरा और तीसरा मांग है कि रामविलास पासवान और रघुवंश बाबू को राष्ट्रीय स्मारक में शामिल किया जाए और उनकी मूर्तियाँ बिहार और पटना में लगाई जाए। पहले सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। अभी हम लोग गोपालगंज जा रहे हैं, हमारे विधायक के पिता रहे, पूर्व विधायक रहे देवदत्त बाबू जी, उनकी जो है पुण्यतिथि है, उस मौके पे हम लोग जो है गोपालगंज का दौरा है वैकुंठपुर पे, वहाँ हम लोग जा रहे हैं। पहले तो आएंगे, उनके तो सेहत में बार बार जो है सुधार हो रहा है और हमको लगता है कि जल्द जो है 15-20 दिनों के अंदर जो है वाइंग। ये रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे आपसे मिलने आए हुए थे, वहाँ भी आप जाएंगे? नहीं नहीं, देखिए आप देखिए कल चिराग पासवान जी आए थे, आप सब लोगों को पता होगा कि पहला जो बरखी है वो मनाया जा रहा है, रघुवंश बाबू जी का भी जो पहला बरखी जो है वो मनाया जा रहा है। रघुवंश बाबू तो हम लोगों के नेता रहे, पिताजी के साथ पुराना संबंध रहा है और अंतिम सांस तक जो है दोनों लोग संग रहे, उस को लेकर के न्योता देने हमारे पास आए थे सत्य प्रकाश जी, जो रघुवंश बाबू जी के जो बेटे हैं। लेकिन हमारी मांग रहेगी राज्य सरकार से, आपको याद होगा कि रघुवंश बाबू ने चिट्ठी लिखी थी, उस चिट्ठी में मांग की थी सरकार से कि कुछ काम जो है सड़क का या कुछ द्वार का उसका निर्माण जो है सरकार जो है करवाए। अब एक साल हो गया है और अंतिम घड़ी में रघुवंश बाबूजी ने वो चिट्ठी नीतीश कुमार जी के नाम लिखी थी कि इस काम को जो है पूरा करवाइए, वो एक साल हो गया अब तक वो काम नहीं हुआ। एक तो हम लोग चाहेंगे कि उस चिट्ठी में जो उनकी जो मांग थी राज्य सरकार जो है उसको पूरा करे, नीतीश कुमार जी पूरा करे। दूसरी हमारी मांग रहेगी कि रघुवंश बाबू जी और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो है राजकीय समारोह में उनको इंक्लूड किया जाए, कि हर साल राज्य सरकार जो है राजकीय सम्मान और समारोह द्वारा जो है वो मनाया जाता है, लोगों के पुण्यतिथि पे होता है, जन्मोत्सव पे होता है। तो आपने सुना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज गोपालगंज के बैकुंठपुर गए हैं, और जाते वक्त जब मीडिया से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो तीन मुख्य मांगे हैं वो हमारी है कि रघुवंश बाबू ने जो अंतिम समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो पत्र लिखा था जिसमें कहा था कि कुछ सड़कें अधूरी है उसका काम कराया जाए, पहला मांग वो है, और दूसरा मांग जो है रघुवंश बाबू की मूर्ति राष्ट्रीय स्मारक और कहा जाए तो उसमें शामिल किया जाए, और रघुवंश बाबू की मूर्ति जो है बिहार और पटना के अलग अलग जगहों पर लगाया जाए, और साथ ही साथ तीसरा मांग जो है वो रामविलास पासवान को लेकर है। और उन्होंने कहा है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि है, कल चिराग पासवान आए थे मिलने के लिए, और मेरा सरकार से ही मांग है कि उनको राष्ट्रीय स्मारक में शामिल किया जाए, और साथ ही साथ उनकी भी मूर्ति जो है वो राज्य के अलग अलग जगहों पर पटना में लगाई जाए। तो एक तीन मांग जो है तेजस्वी यादव ने रख दी है नीतीश कुमार के सामने, तीन प्रमुख मांग जो है वो रामविलास पासवान और रघुवंश बाबू से जुड़े हुए तीन मांग जो है आज नेता प्रतिपक्ष ने किया है। देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार या सरकार की तरफ से कितना पहल होता है। देखते हैं हेडलाइंस बिहार, नमस्कार।